दो बातें हो रही है। मुझे बताइए कि आप बता कैसे ये अगर आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह मालिक रुक जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये देख रहा है कि ये कच्चे हैं या पक्के। अगर आप पक्के साबित हुए तो इंशाल्लाह मालिक रुक जाएगी। वो तो पक्के हो या कच्चे, ये तो रहमत की बूंदा पानी हो रही है। हम तो उसके गुलाम हैं जो तीनों की बारिश में भी नहीं खाते, हम उनके राम लेवा है जिन पर तीनों की बारिश हुई तो उन्होंने फिर भी कदम पीछे नहीं हटाया। तो आप रहते रहिए और मैं आप रात के सामने निहायत मुख्तसर तौर पर एक अहम मसला पेश कर देता। मैंने आप रात के सामने कुरान करीम की आया एक हिकमा का एक हिस्सा बयान किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये कुरान करीम की एक आयत करीमा का हिस्सा भी है और कलमाए तैयबा का दूसरा जुज भी है। कलमाए तैयबा के दो जुज, पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये पूरा कलमा ईमान है, इस्लाम के पांच अरकान है ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। तो ये इस्लाम का रुकन है ईमान। जब हम किसी काफिर को मुसलमान करते हैं तो सबसे पहले यही कलमा पढ़ाते हैं। जब वो कलमा पढ़ लेता है तो मुसलमान हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी दुनिया में तशरीफ लाकर यही इरशाद फरमाया कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा पा जाओ। तो सरकार ने इस दुनिया में तशरीफ लाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का डंडा बजाया, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाया पढ़ाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब तूने मेरी तौहीद का डंडा बजाया है, तूने लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया है, मैं तेरी रिसालत का डंडा बजाता हूँ और लोगों को पढ़ाता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये हुजूर का कलमा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह का कलमा है और हम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा है ईमान है ईमान। मैंने आपको एक बात बतानी है, जरा दिल के कानों से सुन लो। ये ईमान जानते हो कितनी कीमती चीज है, ये दिल के कानों से सुन लो, मुझसे सुन लो। और आज तकी के पास घरों में जाकर देख लेना, जब कल देख लेना, पर को देख लेना, मुझसे सुन लो और खुद अपनी आंखों से देख कर तसल्ली कर देना। तीसरा पारा और तीसरे पारे की आप भी आ गए। अल्लाह ताला इस बात पर कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू
मर जाए। काफी हो गए, काफी रहे और काफी होने की हालत में ही मर गए। अल्लाह तआला इंसान को बताता है खोला ही नहीं हो बाला में ना आहा दे ले लो ना अर्थ से वहां पर वाला दिखता था आपको रफी को तो जो नहीं करा अल्लाह तआला एक बात फरमाता है फर्ज करो कि एक एक साथी के पास कितना सोना हो कि उस सोने से रुए जमीन भरी हुई हो। ये जनता का की जमीन नहीं, मुल्तान शहर या जिले की जमीन नहीं, पाकिस्तान की जमीन नहीं, और मैं कहता हूँ सारी दुनिया की जमीन रूए जमीन सोने से भरी हुई हो और वो एक एक साथी की व्यक्तिगत में हो तो अल्लाह ताला इस बात को मानता है कि वो काफी कल कयामत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में याद करे कि जानना ये रूए जमीन और सोना जो मेरे पास है ये मेरे और मुझे अदाब से निजात दे। रुए जमीन पर सोना दिए में बदले में ले ले और मुझे अदाब से निजात और छुटकारा अता फरमा दे तो अल्लाह फरमाता है फलंगियों को मालूम नहीं फलंगियों को मालूम नहीं ना आ रहे हैं घर से गुरु की दाद से कोई नकौल उत्पाद नहीं कर सकता। इनसे
पूछो कि ये जन्मा तो मैं किसकी बारगाह से मिला, ईमान तो मैं किसकी बारगाह से मिला है। सरकार ने हमें ईमान दिया और ईमान बहुत दौलत है कि रुए जमीन पर छोड़ना भी उसका खतरा और मुकाबला नहीं कर सकता। और ये जो कहते हैं हुजूर ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दे सकते, मालूम होता है इनको ईमान की दौलत नहीं मिली। अगर मिली होती तो ये ऐसा न कहते। जिनको मिली हुई है वो कहते हैं हुजूर जो चाहे जब चाहे अल्लाह की हुक्म से अता फरमा देंगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अहमदुल्लाह ने इन मुनकिरों को मुखातिब करके एक शेर फरमाया, बड़ा प्यारा शेर सुभान अल्लाह। फरमाते और तुम पर मेरे आका की अगर मेरे आका की और कोई तुम पर इनायत बरकत और मेहरबानी नहीं है तो इतना तो बताओ। और तुम पर मेरे आका की इनायत न कही मुनकिरों जन्मा पढ़ाने का भी एहसान कराया, मुनकिरों जन्मा पढ़ाने का भी एहसान कराया। ये तो बताओ कि ये जन्मा तुम्हें किसने पढ़ाया है, ये ईमान तुम्हें किसकी बारगाह से मिला है। अरे जिसकी बारगाह से ईमान मिला, जिसकी बारगाह से इस्लाम मिला, जिसकी बारगाह से कुरान मिला, जिसकी बारगाह से रहमान मिला, तुम उसके को गंदा कहते हो कि वो कुछ नहीं दे सकते। खुदा की कसम जो मिला है या मिल रहा है या मिलेगा सब हुजूर का सदका है, सब हुजूर की बात। इसी बात से जो जानने वाले हैं ना, जिनको मिला है वो क्या फरमाते, फरमाते लापरवाहो जो मिला जो नहीं कसम खा के रब्बुल अर्श की कसम, लापरवाही अर्श किसको जो मिला इनसे मिला, बची है कौने में नेमत रसूलुल्लाह की, बची है कौने में नेमत रसूलुल्लाह की। तो देखो रुए जमीन पर छोड़ने से ज्यादा और ये ईमान मिला है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से मिला। देखो हुजूर ने हमें ईमान अता फरमाया, हम मोमिन हुए तो हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हुई, हमने पहले नबियों को जाना उन पर ईमान लाए, हम फरिश्तों पर ईमान लाए, हम अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, हमें कुरान मिला तो सरकार की बदौलत, कुरान की मारिफत हासिल हुई तो सरकार की बदौलत, कुरान पर अमल करने का तरीका मालूम हुआ तो सरकार की बदौलत, हमें नेकी बदी की तमीज हुई, अच्छाई और बुराई का पता चला तो सरकार को हमारे सरकार को कुरान की बदौलत चला। देखो दुनिया में हमने अल्लाह को जाना पहचाना माना और नेकी की बुराई से बचे मोमिन कहलाए तो ये सरकार का फर्ज है। और मरने के बाद जब हमें दफन कर दिया जाएगा तो आपने बार हाथ सुना हुआ है कि दफन करने वाले दफन
कुछ आ जाएंगे तो दो परिचय आ जाएंगे, मुनकर और वो फसल वाले को उठाकर दिखाने रूह लौटाती गई। रूह कबज होती है मगर फिर रूह को लौटा दिया जाता है। तो बोलो किसी रूह थोड़ी देर के लिए निकल जाए और फिर लौटा दी जाए तो क्या वो मर जाता है, मुर्दा हो जाता है? मैं पूछता हूँ आपको, जब तुम सोचते हो तो तुम्हारी रूह निकलती है या नहीं निकलती? कुरान पढ़ के देखो तुम्हारी रूह भी निकलती। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है अल्लाहु यतवफ्फा अन्फुसहा मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह जानों को निकालता है उनकी मौत के बाद, वल्लती लम तमुत और कोई जान नहीं मरती फी मनामिहा, उसको सबर करता है उसकी नींद की हालत में। नींद के वक्त वो कुरान से साबित हुआ कि नींद के वक्त भी रूह सफर होती है, नींद के वक्त भी अल्लाह ताला रूह को सफर करवाता है। तो बोलो तुम्हारी रोज अंदर रूह सफर होती है, जब सोते हो रूह सफर हो गई, जब जाग करते हो तो रूह वापस लौट आती है। जितनी देर तुम सोए रहते हो होते रहते हो, बोलो तुम आते हो भी। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी रूह निकल जाती है और हुकुम अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया है, मैंने जो बात करनी है सुनो, वो हुजूर ने फरमाया अन्नामो अबुल मौत, नींद जो है ये मौत की पहल है। अगर मौत की हालत को समझना चाहते हो तो नींद का प्रयास कर लो, नींद की हालत को देख लो। तो जो बात की सारण करनी है वो मौत से सुन लो फिर आगे बढ़ता। मेरे बजुर्ग को आप दोस्तों, जब नींद मौत की बहन है तो जैसी किसी की नींद होती वैसी ही होती मौत होती। हम नींद की हालत हो ये खबर हो जाती है, वापस हो जाती, बेहोश हो जाती, अपने माहौल से बिल्कुल बेखबर हो जाती है। मगर सरकार तुम्हारे सलाम की भी हमारी नींद जैसी नहीं थी, सरकार नींद की हालत में काफिल नहीं होते थे, बेहोश नहीं होते थे। आप फरमाती है इंदा है इंदा सलाम होने वाला जनान मुलाजी, देखता तो मेरी ये आंखें सो जाती है मगर मेरा दिल बेदार होता, मेरा दिल नहीं सोता। मैं दिल की आंखों से देखता भी हूँ और दिल के कानों से सुनता हूँ। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम के पर्दे पार हुए दो आंखें थी देखने वाली और दो कान थे सुनने वाली। और देखा तो जिन्होंने हुजूर का करते काम देखा वो नहीं फरमाते, फरमाते हैं कल कुमारी कहते हुजूर का कर्ज बाप बिल्कुल सीधा था, हर शरीर पन से हर किस्म की आलूदगी हर बीमारी से पाक था और हुजूर के कर्जे पास हुए दो आंखें थी देखने वाली और दो कान थे सुनने वाली। तो हुजूर फरमाते हैं मैं जब खुलता हूँ तो ये सब की आंखें तो बंद हो जाती है मगर मेरे दिल की आंखें खुली होती है, मैं दिल की आंखों से देखता भी हूँ और दिल के कानों से सुनता हूँ। तो सरकार की नींद आपको मारती है और बेहोश नहीं करती थी। तो देखो जब सरकार की नींद आपको मारती बेहोश नहीं करती थी तो सरकार की वफात नहीं थी आपको मारती और बेहोश नहीं करती।
मैं कहता
कहता हूँ कि वो मालिक हो अदल करो, इंसाफ से काम लो, दुनिया में गलत नहीं करके धोखा देंगे, तुम चार दिन की रोटियां चला सकते हो, आवाम को बहका सकते हो, मगर ये भी जैसे नजर रखो कि कल तुमने अल्लाह के हुजूर भी हाजिर हो रहा है और वहां भी जवाब देना है, वहां क्या करो? यहाँ लोगों को तो तुम धोखा दे सकते हो, मगर अल्लाह की बारगाह में ऐसी काले कामयाब नहीं हो। तो दो बात आला हजरत यहाँ से मोहब्बत से किसी वजह से अल्लाह के दीन को, हुजूर के दीन को अपना दीन फरमा रहे, और ये आला हजरत भी नहीं फरमा रहे, अल्लाह ने भी फरमा रहे। जरा से मुझे बताओ, अल्लाह फरमाता है अल्यौमा अकमलतु लकुम, आगे क्या है? दीनकुम, क्या मतलब इसका? आपके दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारा दीन। अल्लाह दीन को किसका दीन फरमा रहा है? हमारा गुरु है अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आपके दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अल्लाह की दीन को हमारा दीन फरमा रहा है। बोलो कि हमारा दीन कौन सा है? इकराम बोलो सारे, हमारा दीन कौन सा है? इकराम। तो आला हजरत ने फरमाया मेरे दीन और मदद, यानी दीन मेरे इस्लाम में, मदद मेरा हंसी है, तो दीन इस्लाम और मदद हंसी पर सख्ती से मजबूती से काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आला हजरत ने अपना कोई नया दीन निकाला है या नए दीन के निकालने का आपने जो दावा किया, वादा जो के आगे से भी फरमाया है कि जो मेरी किताबों से जाहिर है, जो मेरी किताबों से जाहिर है। तो हमने आला हजरत की किताबें पढ़ी, आप भी पढ़कर देखो, उसमें कोई बात दीन के खिलाफ नहीं, बहुत दूर है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, उसके आमद तो बाद में आएगी, पहले ही जब कब्र में जाओगे तो हमसे क्या कहेंगे? माँ दीनों का, अरे कब्र वाले तेरा दीन कौन सा है? तो हम तो कहेंगे दीन जल निकला, क्या मतलब दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बोलो हर कब्र वाला क्या कहेगा? मेरा दीन इस्लाम है। और पीछे क्या पूछते उनसे, उन्होंने मेरा तो कहना नहीं, ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे लाजी नहीं, मेरा कोई दीन नहीं है, मेरा कोई दीन अरे अच्छा भी बनवाता है तुम्हारा दीन, और इज्जत भी कहती है कब्र वाले तेरा दीन कौन सा है? मोमिन कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। तो आला हजरत ने भी फरमाया मेरा दीन, तो आला हजरत ने कुरान और हदीस से रोका कि दीन इस्लाम को अपना दीन करवाया। और ये क्या कहे मुझे सर, कैसे मुझे तुम्हारा दीन कौन सा है? मैंने खाता कोई दीन सारा दीन वाह।
Yeah,
नरेंद्र का गोवर्धन को अल्लाह की तौहीद की गाय वो करती है और नहीं करते, वो कहती है कि जो हमारे की खुदाई उसको कबूल की है, अल्लाह को नहीं मानते वो गलत है, क्योंकि गुरु नानक जी ने हमें तौहीद की गाय दी और हमें अल्लाह पर ईमान रखने का हुक्म दिया था, तो अल्लाह ताला को जो सिखो कर दिए तो देगा Yeah.
मोहम्मद मुस्तफा और फरिश्ते
तो वो अपनी कब्र के बड़ा बड़ा मुर्गों को मदीने में देखता है।
अपनी कमर में पड़ा हुआ और क्या
उत्पन्न होने की हालत में वो देखते ही पहचान लेंगे क्यों वजह जो है पहचान का जरिया के सर की आंख नहीं बल्कि ईमान का नूर है। हुजूर की पहचान का जरिया ये सर की आंख नहीं है बल्कि ईमान का नूर है। सरकार को उसने देखा, सरकार को उसने पहचाना जिसके अंदर ईमान का नूर था और सबर में भी वही पहचानेगा जिसके अंदर ईमान का नूर होगा। और बोलो कि ईमान का नूर हमें कहाँ से मिला? हुजूर की बारगाह से। तो हुजूर की बारगाह से वो दौलत मिली जिसकी बदौलत दुनिया में हम मोमिन कहलाए। अल्लाह को जाना पहचाना मोती मदीने तबीर की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरकार एक हुए और यही नूर ईमान सबर में काम आएगा और इसकी बरकत से हम सरकार को पहचानेंगे तो फिर हमारी सबर जन्नत का बाप। और इससे फिर क्या कहेंगे जो पहचान लेगा ना वो और इससे कहेंगे नाम चले माती हो ऐ कब्र वाले आप तू ही करो सोला जैसे माटी वाला होता है। देखो अरबी में जिसकी शादी हो शादी के माना अरबी में क्या होंगे और उसका माना उर्दू में छात्री जिसकी छात्री हो उसका उर्स जिसकी छाती हो उसका उर्स याद रखो छाती है उर्स। और जिनकी छाती होती है उनको कहते उर्स। जिनकी छाती हो दूल्हा को भी दुल्हन को भी क्या कहते उर्स छाती उर्स। और जिनकी छाती वो उर्स। तो फरिश्ते क्या कहते हैं नाम सलाओ माती ने उर्स ऐ कब्र वाले अब तू इस तरह छोड़ा जैसे शादी वाला छोड़ता है। दूल्हा की शादी उसको दूल्हा मिली दूल्हा की शादी उसको दूल्हा मिला। कब्र वाले आज तेरे लिए शादी और खुशी का दिन है तुझे तो मैं का दूल्हा मुस्तफा तेरे वास्ते आज खुशी का दिन है शादी का दिन है। तो फरिश्ते क्या कहते हैं हम करो मती लो बात सुनो फिर नतीजा पेश करूंगा। और मैंने जो मैंने बात की